અમરોલી રોડ પર આવેલા કારખાનામાં 500 રૂપિયા માટે પરપ્રાંતી કારીગરની હત્યા કરાઈ હોવાનું સામે આવ્યું છે। સુરતમાં હત્યા સહિતની ઘટના બની રહી છે ત્યારે પાનેસરા અમરોલી વિસ્તારમાં આવેલા ઉમા ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ખાતે પરપ્રાંતી કારીગરની હત્યા કરાઈ હતી। મૃતક સાગર સવાઈને ભાઈ મિથુન સવાઈને જણાવ્યું હતું કે તેનો ભાઈ અગાઉ બીજી કંપનીમાં કામ કરતો ત્યારે 500 રૂપિયા સાથે કર્મચારી પાસેથી લીધા હતા, જેની ઉઘરાણીમાં બાઇક પર આવેલા બે સમય ચપ્પુ મારતા ગંભીર હાલતમાં હોસ્પિટલ ખસેડાયો હતો। જ્યાં સારવાર દરમિયાન સાગર સવાઈનું મોત થતાં પોલીસે હત્યાનો ગુનો નોંધ્યો હતો। હાલ તો બનાવને લઈને પાનેસરા પોલીસે ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી છે। મારું નામ મિથુન સવાઈ, मेरा भाई का नाम है सागर स्वाइन। वो एक कंपनी में मशीन का लाइन पे काम कर रहा था, वो छोड़ के दूसरे कंपनी में काम करने के लिए गया और वो कंपनी जो छोड़ दिया उसका कोई 500-1000 के लिए उसका दोस्ता लोग वो दूसरे कंपनी में जाके और बात करने के लिए बुलाया और वो भाई गेट से थोड़ा कंपनी का बाहर आया तो लोग सीधा भाई को चाकू मार के बाइक में चला गया। घटना कब बनी थी? वो 23 तारीख को सुबह में 11 के 12 अंदर। कहाँ पे बनी थी? वो बमरोली सूरत बमरोली रोड अपना ये उमा सोसाइटी लाला भाई का खाता। मारने वाले को दो आदमी थे, तीसरे आए थे लेकिन बाइक वाले को देखा नहीं, बाइक वाला दूसरा था। वो दो आदमी आए थे कंपनी में, एक बुलाया दूसरा चाकू मार दिया। घटना का सीसीटीवी है? हाँ ये है, खाता का दूसरा सामने वाला खाता में है। पहले कौन से हॉस्पिटल में ले गए थे? पहले ले गया था अपना ये डी मार्केट का बाजू में अयोध्या। इससे थोड़ा दिक्कत बोला तो मैं थोड़ा गरीब आदमी हूँ, गांव जाने का सोचा। आपस स्टेशन के गया तो उस दिन गाड़ी नहीं थी, दूसरे दिन गाड़ी जब निकला नहीं चढ़ पाया तो सीरियस है। तभी उस दिन नाइट में एम्बुलेंस को अपना नानपुरा केंद्रीय नानपुरा हॉस्पिटल में लेके गया था। इसमें 3 दिन इलाज किया है, बाद में वो लोग बोला थोड़ा इसका ऑपरेशन का जैसा होगा और थोड़ा अर्जेंट सीरियस है तो तुम प्राइवेट में नहीं पाएंगे, इसके लिए वो तुम सिविल में मेरा वो जो लिखा हुआ रिपोर्ट है इसको लेके जाओ, वहाँ पे इलाज कराओ। मेरा डॉक्टर इसमें जाता आता रहता है। तो अभी 27 तारीख को इधर से लाया और वो दूसरे दिन में ऑपरेशन भाई का हुआ था। अभी 2 दिन बाद इसका तीसरा दिन में होश भी नहीं आ रहा था, बाद में धीरे धीरे आया होश। अभी इसका जो सांस लेने में दिक्कत होता था उसको 14 दिन में वो गला काट के दूसरे नली दिए थे और 3 दिन से डॉक्टर साहब बोलते थे कि थोड़ा थोड़ा परेशानी ऐसा चेकिंग के बाद इसमें थोड़ा प्रॉब्लम बता रहे वो लोग, कहाँ इसमें मारा हुआ है तो अभी वो थोड़ा फोफड़ा उड़ गया ऐसा बोल रहे थे डॉक्टर। और 2 दिन से उसका 8 से 10 बार उसका रिपोर्ट भी निकल आया और दवाई उसके देते थे, थोड़ा परसों ज़्यादा सीरियस हुआ तो बोलते ब्लड लेके आओ। दूसरा दवाखाना में 2 बार गया, उसका ब्लड लेके आए तो तुरंत मेरा भाई और भाभी थे उसके हिसाब से दस्तखत करवा के बोलता था अभी कुछ भी आज हो सकता था। कल मौत तो अभी आज सुबह में 4:30 बजे। घटना का सीसीटीवी आपने देखा है? घटना का मैं नहीं देखा लेकिन वो तो जहाँ हुआ है कैमरा है, इसमें निकाल सकते हैं वो।